हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको लेकर चलती हूं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं दिखाती हूं कहां पर है ये दरगाह और कैसे आप यहां पहुंच सकते हो और कैसा है अंदर का नज़ारा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो अगर आप दिल्ली मेट्रो से आना चाहते हो तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा इंद्रप्रस्थ, जो है ब्लू लाइन में, और जंगपुरा वो है वायलेट लाइन में। तो ये दोनों ही नियरेस्ट स्टेशन है। और आपको यहाँ पे बाहर ही बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी। सो हमने ये दो प्लेट ले लिए और हम जस्ट पहुँच गए हैं। बस अब हम अंदर चलते हैं। सो आप दरगाह के अंदर ही, इस गेट के अंदर आप चप्पल नहीं लेकर जा सकते, तो आपको उससे पहले ही अपनी चप्पल। तो ये है एंट्रेंस दरगाह की और एंटर करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा तालाब। सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको दरगाह से पहले ही स्टॉल्स लगनी शॉप्स स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको फूलों की चादर और जो नॉर्मल आप चादर चढ़ाते हो दरगाह पे, वो सारा कुछ आपको मिल जाता है, फूल वगैरह है। और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामिक उससे रिलेटेड है, जैसे अल्लाह का नाम उर्दू में लिखा हुआ वो आपको प्रिंट उसके मिल जाएंगे, और मक्का के प्रिंट आउट फ्रेम किए हुए। इनफैक्ट आपको जो बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा वो है आपको वहाँ पे सुरमा भी मिलेगा, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर का, नॉट जस्ट ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, और बहुत सुंदर सी सुरमेदानी में आपको वो सुरमा डाल के देंगे। अल्लाह के नाम के लॉकेट, ताबीज़, आप इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड जो वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मंदिरों में, मंदिरों के बाहर स्टॉल्स पे हमें हमेशा दिखते हैं भगवान से रिलेटेड, वो सारा का सारा यहाँ पे इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड आपको सारा का सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे भी मुझे प्राइजेज उतने हाई जेन्युइनली नहीं लगे, सबके ऑलमोस्ट फिक्स प्राइजेज थे। हमने दो तीन जगह पे सुरमेदानी का रेट पता किया था और उनका सेम साइज़ का सेम रेट था हर जगह। सो हमने बाहर से ही फूल ले लिए थे बट हमने चादर नहीं ली थी। इनफैक्ट फूल भी लेडीज़ डायरेक्टली दरगाह पर नहीं चादर चढ़ा सकती, ना वो फूल चढ़ा सकती, दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। आप सिर्फ एक जाली, उनका जो मेन है वरांडा सा, वहाँ तक ही लेडीज़ अलाउड है जाना, उसके अंदर नहीं। बट आप वो सारा जो भी चीज़ें खरीदी हुई है आप वो वहाँ पे खड़े होते हैं, आप उनको दे दो और वो आपके नाम से चढ़ा देते हैं अंदर। तो आप यहाँ पे अब देखोगे तो हम मेन अब फाइनली अंदर दरगाह के अंदर आ चुके हैं और ये दरगाह का सामने से व्यू है, आप देख सकते हो। ये रात में आई थिंक और सुंदर लगता है जब लाइटें वगैरह ऑन हो जाएगी और जगमग होगा। हम वैसे शाम में गए थे और यहाँ पे 6 बजे के अराउंड कव्वाली स्टार्ट हो जाती है, बट ऑनेस्टली हमें आज नहीं दिखा था कव्वाली उस टाइम तक, जब तक मैं थी तब तक कव्वाली नहीं हुई थी। और निज़ामुद्दीन दरगाह के पास में ही हुमायूंज़ टॉम भी है, तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो, पर वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो आई वुड से अगर आप शाम में जा रहे हो तो पहले प्लान फॉर दैट वन, उसके बाद आप यहाँ पर आओ। एंड यहाँ पे अब आप जाली से सामने से देख सकते हैं, अंदर सिर्फ आदमी है और ये लेडीज़, जैसे मंदिरों में होता है हाथ पैर धोने का, यहाँ पे भी सेम था। आप पूजा करने से पहले, नमाज अदा करने से पहले आप अपने हाथ और पैर अच्छे से धो लो। एंड यहाँ पे उन्होंने हमें जो हमने थाल ली थी उसमें उन्होंने हमें धागा भी दिया था, एंड देन दे टोल्ड अस कि आप यहाँ पे दरगाह के बाहर उसको बांध सकते हो। तो मेरी मॉम अभी वही कर रही है। एंड ये जो सामने है आप इनको अपना, जो भी लेडीज़ हैं वो अपनी थाल दे सकते हैं, वो अंदर आपके फूल और चादर वो चढ़ा देंगे। सो निज़ामुद्दीन औलिया ने लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है, उन्होंने बोला कि प्यार और शांति से आप भगवान के और क्लोज आ सकते हो। एंड आपको जो लोग हैं उनके कास्ट, उनके धर्म को लेकर या फिर
कि वो कौन सी जाति के हैं, उसके अलावा आपको सर्व करना चाहिए, आपको वो सारा कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी जाति का है इंसान या कौन से धर्म को फॉलो करता है। इट्स जस्ट आप में वो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। एंड आई थिंक हमें आज भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और ये ही फॉलो करना चाहिए, बेशक से वो फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो। और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इनको बहुत फॉलो करते थे और उनका वो करते थे। उनमें से एक है अमीर खुसरो, एंड उन्हीं की दरगाह है जो उन्हीं के पास में नेक्स्ट बनी हुई है, तो हम उसको भी हमने विज़िट किया था। ये हम उसी में जा रहे हैं अंदर। एंड अगेन सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आप अंदर नहीं जा सकते, ओनली बॉयज़ आर अलाउड, पर आप बाहर से आप उनको देख सकते हैं। एंड साइड से अगर आपको प्रेयर्स करनी है या धागा बांधना है अपना, तो वो आप ये साइड वॉल्स पे डाल के आप कर सकते हैं। और अगर आप डोनेट करना चाहते हो, कोई भी डोनेशन करना चाहते हो, वो भी आप दरगाह के अंदर कर सकते हैं। जहाँ पे हमने जिसको थाल दिया था, उन लोगों ने ही आपको प्रॉपर वो स्लिप काट के देते हैं कि आपको, एंड देन दे आस्क फॉर इट कि आप खाने के लिए इतना डोनेशन कर दे सकते हैं, इस चीज़ के लिए इतना डोनेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे देना चाहते हैं। आप नहीं देना चाहते, आप मना भी कर सकते हैं। बट हमने वहाँ पर देखा कि लोग भंडारा भी कर रहे थे। आप सामने से देखोगे तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बाहर शॉप्स हैं, वहाँ से उनको ऑर्डर देके आप भंडारा ऑर्डर कर सकते हैं, और या आप खुद भी बना के ला सकते हैं। सो दरगाह के बाहर आपको ऐसे ये सारा कुछ दिख जाएगा। अगर आपने कुछ खाना है नॉन वेजिटेरियन के आप शौकीन हो तो। इतनी गर्मी में हम पी रहे हैं गन्ने का रस, गन्ने का जूस। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।